गाइस आपको आइडिया भी नहीं होगा कि अमेजोन कितना ह्यूज ब्रांड है, उसका जो फुटप्रिंट है इंटरनेट पे वो बहुत ह्यूज है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आज के टाइम पे अमेजोन डाउन होता है तो बाकी जितनी भी लीडिंग टेक कंपनीज है उन पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी डाउन हो सकती है। कैसे, आज सारी बातें बताता हूँ। अब मैं आपको 10 फैक्ट्स बताऊंगा जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अमेज़न ह्यूज ब्रांड क्यों है। नंबर 1, AWS जो कि है अमेज़न वेब सर्विसेज। अगर मैं बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करूं तो अमेज़न जो है उनको वेब सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, जैसे किसी को डेटाबेस स्टोर करना है या फिर स्टोरेज चाहिए हो क्लाउड पर या फिर कंप्यूटिंग पावर भी जिसको चाहिए हो वो सारे के सारे अमेज़न के पास ही आते हैं। और अगर मैं बड़ी कंपनीज वर्ड यूज कर रहा हूं तो यहां पर सारे नोन ब्रांड्स है जो आप यूज भी करते होंगे, जैसे कि एडोबी, BMW, टाटा मोटर्स, सोनी, सैमसंग, इंस्टाग्राम, इनफैक्ट नेटफ्लिक्स भी जो है अमेज़न पे डिपेंडेंट है क्योंकि वो उनकी क्लाउड सर्विसेज यूज करता है। इनफैक्ट अमेज़न की वेब सर्विसेज इतनी इंपॉर्टेंट है कि CIA भी यूज करता है और अमेज़न ने उनके लिए स्पेशल प्राइवेट क्लाउड क्रिएट किया हुआ है जो कि लाइक CIA ही एक्सेस कर सकता है। नंबर 2, अमेज़न इंडिया। अमेज़न इंडिया की मार्केट को लेकर बहुत सीरियस है, 2013 से लेकर 2022 आ चुका है और ये $5 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट कर चुके हैं। वैसे अमेज़न का जो मेन हेडक्वार्टर है वो US में है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग जो है हमें हैदराबाद में देखने में मिलती है और अमेज़न ने बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट करी है इंडिया के लिए। और जो हैदराबाद वाली बिल्डिंग है वो 9.5 एकर्स तक फैली हुई है और वहां पर 15,000 वर्कर्स तक काम कर सकते हैं। अमेज़न के जो फाउंडर है जेफ बेजोस, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि 21st सेंचुरी जो है इंडिया की है। I predict that the 21st century is going to be the Indian century. और Amazon इस चीज को मीन करता है क्योंकि अगर आप देखते हो उन्होंने हिंदी वेबसाइट लेकर आए, जो उनका Alexa है वो बहुत अच्छी हिंदी समझता है और इंटरेक्ट कर पाता है यूजर्स के थ्रू। इनफैक्ट Amazon Prime वीडियो से लेकर या फिर Amazon Pay हमें हर एक फीचर जो है इंडिया में देखने मिल जाता है Amazon की तरफ से। नंबर 3, Amazon Air Hub। आपने नोटिस करा होगा हम Amazon से कुछ सामान मंगवाते हैं सेम डे डिलीवरी भी हो जाती है, इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक। एक्चुअली में Amazon का आज के टाइम पे लॉजिस्टिक बहुत ज्यादा फैंटास्टिक हो चुका है, इनफैक्ट US में उससे भी ज्यादा फैंटास्टिक होता जा रहा है। और ये जो Amazon Air Hub है ना, ये 800,000 स्क्वायर फीट में है सिंसिनेटी के एयरपोर्ट में और उसमें जो है ना 7 बिल्डिंग्स है, इनफैक्ट मल्टी स्टोरी पार्किंग भी और वहां पर एयरक्राफ्ट तक पार्क हो सकते हैं और Amazon के खुद के 85 प्लेन्स है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनका US में इतना अच्छा होल्ड है कि 40 डिफरेंट लोकेशन में बहुत एफिशिएंटली भी सामान डिलीवर करा सकते हैं। और ये जो Air Hub है ना फुली रोबोट्स के थ्रू मैनेज होता है, तो आप समझ जाओ कि यहां पर लॉजिस्टिक में भी Amazon कितना आगे निकल चुका है। नंबर 4, Amazon के अंडर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती है। IMDb जहां पर हम मूवीज की रेटिंग देखते हैं वो Amazon का है। अपने ट्विच तो सुना ही होगा जहां पर बहुत ज्यादा गेम की स्ट्रीमिंग करी जाती है, वो भी जो है Amazon ओन करता है। और रिसेंटली 2022 में Amazon ने MGM को भी खरीदा है जो कि बहुत बड़ी मीडिया कंपनी है और इसकी वजह से प्राइम वीडियोस पे सारी जेम्स बॉन्ड की मूवीज आ चुकी है। और 2017 में दुबई की एक बहुत फेमस ई कॉमर्स वेबसाइट थी सूक, उसको जो है खरीद लिया Amazon ने और 2019 में amazon.ae के नाम से रीलॉन्च भी करा। और हाँ, जो Audible है वो भी Amazon ही ओन करता है। नंबर 5, गेमिंग। Amazon के पास दो सर्विसेज है गेमिंग से रिलेटेड, एक है लूना और दूसरा प्राइम गेमिंग। प्राइम गेमिंग जो है आपको एक्सेस देता है गेम खेलने के लिए, इसपे जो है एवरी मंथ आप एक गेम क्लेम भी कर सकते हो। और लूना जो है क्लाउड गेमिंग सर्विस है, इसमें आपको एक हाई एंड कंप्यूटर फिर कंसोल की नीड नहीं है, आप जो क्लाउड गेमिंग कर सकते हो और ये प्राइम के साथ फ्री में मिलता है। खैर ये इंडिया में नहीं है। और रिसेंट न्यूज में तो पता लगा है कि Amazon EA को भी एक्वायर करना चाहता है गेमिंग में। नंबर 6, Amazon Go Stores। Amazon जो है ऑलरेडी ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर लीडर है, लेकिन ये ऑफलाइन में भी धीरे धीरे जा रहे हैं, बट बहुत फ्यूचरिस्टिक तरीके से। इन्होंने जो है बहुत जगह पे Amazon Go Stores खोले हैं जहां पर कोई भी सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं है, हर एक सामान की जो परचेज है वो सेंसर्स के थ्रू होती है। वहां पर इंफ्रारेड सेंसर, वेट सेंसर, बहुत तरीके के सेंसर्स लगे हुए हैं जो डिटरमाइन करता है कि आपने क्या क्या सामान उठाया है और आप सामान पिक करके स्टोर को जो है एग्जिट कर सकते हो और आपके Amazon Go ऐप में रिसिप्ट मिल जाएगी आपने कितने का सामान खरीदा है और आपके Amazon अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। नंबर 7, प्राइम वीडियोस। एक्चुअली में इंडिया में Amazon इतना सक्सेसफुल हो गया अपने प्राइम वीडियोस के साथ कि उनको मैसिव ग्रोथ देखने को मिली।
अगर मैं Netflix के CEO की बात करूं, वो फर्स्ट रेट है और वो इंडिया में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। और इंडिया में प्राइम वीडियोस की ग्रोथ का रीजन बड़ा सिंपल है, क्योंकि Amazon ने बहुत सारे शोज प्रोड्यूस करे हैं जो कि हम इंडियंस ने पसंद भी करे। नंबर 8, Amazon प्रोडक्ट्स। अब Amazon के जो प्रोडक्ट्स है, जैसे कि Alexa, Echo डिवाइसेस आपने देखा होगा, जो कि स्मार्ट असिस्टेंट की तरह काम करते हैं आपके स्मार्ट डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए, ये वर्ल्ड वाइड या फिर अमेरिका में इतने ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं कि 10 में से 7 लोगों के पास Amazon Alexa Echo डिवाइस होता है। और तो और Amazon Kindle या फिर Fire Stick भी दो बहुत पॉपुलर Amazon के प्रोडक्ट्स है जो सच में लोग पसंद करते हैं। हाँ, 2014 में इन्होंने Fire Phone लॉन्च करा था जो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। नंबर 9, Amazon इतना ह्यूज है कि उन्होंने 2020 के अंदर 3.5 बिलियन पैकेजेस को शिप किया था। तो इसका मतलब अगर आप समझ रहे हो पॉपुलेशन जो है 7 बिलियन के आसपास है, तो हर दूसरे बंदे को सामान डिलीवर करा था Amazon। नंबर 10, Amazon के जो फाउंडर है जेफ बेजोस, वो वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट मैन है, और उनके डाइवोर्स के बाद उनको अपनी वाइफ को Amazon के कुछ शेयर्स देने पड़े, और वो शेयर्स देने के बाद जो उनकी वाइफ है वो वर्ल्ड की आज 4th रिचेस्ट वुमन है। वैसे इतना ही नहीं, जेफ बेजोस की खुद की स्पेस कंपनी भी थी ब्लू ओरिजिन नाम से, जो कि स्पेस एक्स से 2 साल पहले खुली थी। वैसे जेफ बेजोस जो है खुद स्पेस होके आ चुके हैं। जेफ बेजोस के साथ उस टाइम पे 82 इयर्स की एक वुमन भी गई थी और 18 साल का एक यंग लड़का भी, तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी वो भी थी। तो ये थे कुछ 10 फैक्ट्स Amazon के बारे में। अगर आप ऐसी वीडियो किसी और ब्रांड के बारे में चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो और साथ में लाइक भी कर देना। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हो तो मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, आप यहां से देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।